रणजीत सिंह ढड्डरियांवाला वालों श्री अकाल तख्त होने वाले फैसलों से चुके गए सवालों की साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने निखेधी की है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब से सवाल चुकना गलत है और श्री अकाल तख्त से सिर्फ ते सिर्फ इंसाफ होंगे, किसी नाल पक्षपात नहीं किया जाता। पराली साड़न नूं रोकण लई पंजाब सरकार ने वड्डा फैसला लिया। पंजाब सरकार वल्लों चेन्नई की कंपनी नाल पराली तो बायो एनर्जी पैदा करन दे लई 400 प्रोसैसिंग प्लांट लाउण दा एमओयू साइन किया गया। अगले झोने की फसल तो पहला यह प्लांट शुरू होगा। 10 साल कंपनी वल्लों 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस नाल 30,000 नौजवानों नूं रोजगार मिलेगा। पराली के मुद्दे से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। मीटिंग तो बाद कहा कि दोवें सूबे मिलकर प्रदूषण दूर करेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में इस साल 45% पराली जी घट सारी गई। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने सीएम कैप्टन वल्लों केजरीवाल मुलाकात न करने के प्रतिक्रम दिता है। जाखड़ ने कहा कि पराली कोई सूबे का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है जिससे राजनीति की जा रही है। उधर केजरीवाल की चंडीगढ़ फेरी से कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने भी तंज कसया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब च आके पंजाब के ही लोगों खिलाफ गल करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों केजरीवाल मुलाकात न करते सबका सीएम बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते अमरिंदर सिंह को केजरीवाल मुलाकात कर लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पराली साड़न के मुद्दे से बोलते कहा कि एनजीटी सारे सूबे की बैठक बुला के हल करना चाहिए। हरियाणा के सबका मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात निशाना साधया। कहा है कि हुण तक केजरीवाल के विरोध करने वाले सीएम मनोहर लाल हुण उन्हां नाल मुलाकात क्यों कर रहे हैं। पंजाब मुद्दे सहसे चुकन के मुद्दे से चंडीगढ़ में सर्व पार्टी बैठक हुई। मीटिंग की अगवाई कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा वालों करने की वजह करके सिर्फ सुनील जाखड़ डॉक्टर धर्मवीर गांधी गुरजीत सिंह औजला संतोख चौधरी शामिल रहे उस मीटिंग के जदों के अकाली भाजपा के आप के मैंबर पार्लीमेंट तो इलावा कांग्रेस के राज्यसभा के तीनों एमपी अमरीका सोनी प्रताप सिंह बाजवा शमशेर सिंह दुल्लो भी मीटिंग नहीं पहुंचे। बैठक च शामिल ना होण ते कांग्रेस तो राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने सफाई दिती ते कहा कि उन्हां दी पार्टी नाल किसे किस्म दी नाराजगी नहीं है पर प्रोटोकॉल मुताबिक मुख्यमंत्री कैप्टन नूं मीटिंग दी प्रधानगी करनी चाहीदी सी पर अजिहा ना होण कारण उन्हां मीटिंग विच शामिल ना होण दा फैसला लिया। पंजाब भाजपा प्रधान विजय सांपला भी इस बैठक विच हाजिर नहीं हुए। सांपला ने कहा कि ब्रह्म महिंद्रा कोल सांसदां दी बैठक दी प्रधानगी करन दा कोई अधिकार ही नहीं। दूजे पासे बैठक विच हाजर ना होण ते आप सांसद भगवंत मान ने अपना पक्ष रखिया। कहा है कि सीएम अमरिंदर सिंह नूं पंजाब अते पंजाब दी जनता दा कोई फिकर नहीं है जिस कारण सीएम खुद बैठक विच हिस्सा नहीं लै। मीटिंग च विरोधी धिर के एमपी की गैरहाजरी से ब्रह्म महिंद्रा ने कहा कि विरोधी धिर नूं पंजाब दे मुद्दयां ते सियासत नहीं करनी चाहिए। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने नवे जथेबंधक ढांचे का गठन किया। सुखबीर ने मीत प्रधाना जनरल सकत्र की पहली सूची जारी की कि सुखदेव सिंह ढींडसा जनरल सकत्र बनाया गया। बिक्रम सिंह मजीठिया परमिंदर सिंह ढींडसा मनजिंदर सिंह सिरसा जनरल सकत्र बने ने जदकि चंदू माजरा तोता सिंह दलजीत सिंह चीमा सीनियर मीत प्रधान का अहुदा दिता। एसजीपीसी के स्थापना दिहाड़े मौके अज श्री अकाल तख्त साहिब तेजा सिंह समुद्री हाल के पाए जाएंगे। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग सिख अजायब घर लाई जाएगियां सिख पंथ के प्रसिद्ध शख्सियतों की तस्वीर। डीएसजीएमसी के जनरल सकत्र मनजिंदर सिंह सिरसा ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार को चिट्ठी लिखी है जिस विच उन्होंने बेनती की है कि वह सिख कौम को बाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहबजादों के नाम से मनाने के निर्देश जारी कर।
राष्ट्रपति बनने तो बाद पहली बार सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होणगे रामनाथ कोविंद। जलंधर के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से 223 स्क्वाडरन 117 हैलीकॉप्टर यूनिट के प्रोग्राम करेंगे शिरकत। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ भी रहेंगे मौजूद। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत फरीदकोट पहुंचे जिथे उन्हें ओपन जिम और नवी बनी सैरगाह का उद्घाटन। पंजाब च टारगेट किलिंग मामले के मुलजमान की मोगा के कस्बा बाघा पुराना अदालत में पेश हुई जिथे हरमिंदर मिंटू को 17 नवंबर जदों के रमणा 18 नवंबर तक की पुलिस रिमांड से भेज दिया गया। दस दईए कि हरमिंदर मिंटू नाभा जुएल कांड का भी मास्टर। प्राइमरी स्कूलों के प्री नर्सरी क्लासा शुरू करने के विरोध में आंगनबाड़ी वर्करां ने पंजाब भर में जेल भरो अंदोलन। सूबे भर से आई आंगनबाड़ी वर्करां ने मोहाली च कीता पंजाब सरकार खिलाफ प्रदर्शन। फैसला वापस लैण दी रखी। फिलीपींस के मनीला के मानसा के पिंड मल सिंह वाला के नौजवान के कतल तो बाद पिंड की शोक की लहर फैल गई है और परिवारों की सरकार तो मंग है कि मृतक की पत्नी के बच्चे भारत वापस लिया जाए। दस दई है कि नौजवान का मनीला च लुटेरिया वालों कतल कर दिया गया ते उथे वसे पंजाबियों वालों मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के दहशतगर्दों का लोहा लैंदा शहीद होया मानसा का जवान मनजिंदर सिंह जिसनू सलाम भी किया गया और शहादत तो पहला वीर मनजिंदर ने एक दहशतगर भी ढेर किया। पिंड बणावाली के शहीद के जिहड़ा कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। नंगल की कौमी वैटलैंड प्रवासी पंछियों की आमद लगातार बरकरार है। हर साल सर्दियों के मौसम में प्रवासी पंछी लखां किलोमीटर का सफर तय कर इतने प्रवास करने पहुंच रहे। हिमाचल वाधा जा रहा है डेंगू का कहर। 400 तो ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। सेहत विभाग ने जारी किया अलर्ट। सब तो ज्यादा मामले सोलन। और हिमाचल के बदलिया मौसम का मिजाज। रोहतांग दर्रा के मौसम की पहली बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के भी 3 इंच बर्फबारी की गई रिकॉर्ड।